हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे रिमोट कंट्रोल रॉक क्लाइंबिंग कार के बारे में बताएंगे। ये फ्रेंड्स रॉक क्लाइंबिंग कार है जिसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और इसकी प्राइस लगभग 900 के आसपास है। और इसको हमें अभी चला के आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिखाता हूं। ये फ्रेंड्स इसकी कार की बैटरी है जो रिचार्जेबल है फ्रेंड्स, और ये इसका चार्जर है जिसको आप इस चार्जर की मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये इस तरह से आप इसको खोल लेंगे और इसको इसको यहाँ पर इस कनेक्टर को इसमें यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए इस कनेक्टर इस तरह से फ्रेंड्स कनेक्ट हो गया और इस प्लग को एसी 220 वोल्ट एसी में लगा देंगे। जो घर में एसी है उसमें लगा देंगे फ्रेंड्स। इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको 220 वोल्ट एसी पे लगा देंगे और इसको बैटरी चार्ज करीब 1-1.5 घंटे आप इसको चार्ज कर लेंगे। उसके बाद इसका 1-2 घंटे करीब 1-1.5 घंटे के आसपास इसका बैकअप रहेगा फ्रेंड्स। इसको और इसको निकालने के लिए या इसको प्रेस कर दीजिएगा, इस पिन को इस तरह प्रेस करके आप निकाल देंगे। जब लगाना हो तो इस तरह से आप लगाएंगे इसको, ये लग गया इसमें। लेकिन जब निकालेंगे तो ये साइड दोनों साइड इसको ऐसे करके दबा देंगे और ये प्लग को अलग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब मैं इसमें कार में दिखा देता हूँ ये बैटरी कहाँ पर लगेगी फ्रेंड्स। इसका ये ऑन ऑफ स्विच है फ्रेंड्स, इसकी मदद से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है जिसको मैंने निकाल दिया है। इस स्क्रू से यहाँ पर इसको स्क्रू ओपन कर लेंगे और उसके बाद इस बैटरी को यहाँ पर आप इस तरह से ये इसका बैक कवर निकाल देंगे और इसके बाद इस बैटरी को आप यहाँ इस चार्जर में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। इस कार में इस कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स कनेक्ट करेंगे और जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसकी लाइट जल जाएगी। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसकी ये लाइट अंदर जलने लगी। अगर उल्टा फ्रंट लगाएंगे तो ये नहीं जलेगी। तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, इसको घुमा लीजिएगा और घुमा के इसमें कनेक्ट कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, रेड वाला रेड की तरफ वायर रहे और ब्लैक वाला ब्लैक की तरफ वायर रहे। रेड वाला रेड की तरफ रहना चाहिए और ब्लैक वायर ब्लैक की तरफ रहना चाहिए। इसको फ्रेंड्स इस तरह से लगा के इसमें इस तरह से आप बंद कर दीजिएगा और इसमें हम बैक कवर लगा देते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा बैक कवर लग गया फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स मैंने बैक कवर लगा दिया है और इसमें मैंने बैटरी भी इंसर्ट कर दी है। और ये मेरी कार ये हो गई। और फ्रेंड्स ये इसका रिमोट है, ये रिमोट है जिसमें आप इसके इधर से चलेंगे फॉरवर्ड, जब फॉरवर्ड की तरफ आप इसको आगे की तरफ करेंगे और रिवर्स के लिए इसमें पीछे की तरफ करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें बैटरी लगा देते हैं, इसमें तो रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई है। इसमें आपको पेंसिल सेल लगाने होंगे जो कि आपकी वॉल वॉच में लगते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे भी एक स्क्रू लगा हुआ था, ये स्क्रू लगा हुआ था यहाँ पर, मैंने स्क्रू को खोल दिया है। और इसको आप इस तरह से बैक कवर को इसको रिमूव कर दीजिएगा आप। ये बैक कवर यहाँ से आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और ये इसमें 3 AA बैटरी लगेगी जो कि आपकी वॉल वॉच में लगती है। ये AA बैटरी है 1.5 वोल्ट की, इसमें 3 लगेगी फ्रेंड्स। ये हेड पॉजिटिव की तरफ है और ये टेल ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है। और ये हिस्सा हमेशा स्प्रिंग की तरफ होता है, जो इसमें स्प्रिंग लगी है उसकी तरफ ये आपको प्लेन वाला एरिया लगा प्लेन वाला लगाना निगेटिव की तरफ। तो ये मैंने पहला सेल लगा दिया, ये मैंने इसमें दूसरा सेल लगाया फ्रेंड्स, और ये मैंने इसको तीसरा सेल। ये देखिए इधर प्लेन है इधर स्प्रिंग है, तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। ये पोलैरिटी के हिसाब से लग गए हैं तीनों। और फ्रेंड्स ये मैंने वो कर दिया। अब इसमें भी एक स्विच लगा हुआ है फ्रेंड्स,
ये देखिए यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, इसको ये यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ, तो इस स्विच को आगे कर दीजिएगा, पीछे कर देंगे ऑफ हो जाएगा, इस तरफ ऑन कर, जब आपको चलाना हो तब इस स्विच को आगे की तरफ कर दीजिएगा, और जब जब बंद करना हो तो इसको पीछे की तरफ कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी ऑन की तरफ कर दिया है, इसके सब मैं इसको चला के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्टाइलिश इसका रिमोट है फ्रेंड्स, आप इसको ये इस तरह से पकड़ लीजिए जैसे, और इसको मैं चलाता हूँ। देखिए ये पीछे, ये पीछे की तरफ करने फॉरवर्ड गई, और ये आ गया, ये देखिए मैंने ये इस तरह, इसको ये इसके ये इसको आगे के व्हील को लेफ्ट राइट घुमाने के लिए ये स्विच लगा हुआ है, ये फ्रंट से, इसकी वजह से ये देखिए इधर ये घुमा सकते हैं, ये इधर घुमा सकते हैं, और ये आइए पीछे, ये देखिए इसको फ्रेंड्स, देखिए इसमें स्प्रिंग, यहाँ पर स्प्रिंग लगे हुए हैं, यहाँ शाकर लगे हुए हैं, एक हो गया, दो हो गया, और ये तीसरा शाकर यहाँ पे लगा हुआ है, और चौथा शाकर यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये चार शाकर लगे हुए हैं, और ये आगे का लेफ्ट राइट इसको मोड़ने के लिए है, और इस तरह यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जो कि कार के को ऑन ऑफ करने के लिए होगा, जब आपको चलाना हो तो ऑन कर लीजिएगा, और जब बंद करना हो तो ऑफ की तरफ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और इसको जब भी आपको बैटरी चार्ज करनी होगी तो फ्रेंड्स आप इसकी बैटरी को निकाल के चार्जर में, इस चार्जर में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे एलईडी लगी हुई चार्जर में, एलईडी लगी हुई है जो कि जब चार्ज होगा तो आपको वो शो करेगी। ये इसका डिजाइन है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए, ये